दोस्तों, आज अपन लोग खेलने वाले हैं मिसाइल सिम्युलेटर। अब भैया, इस वाले गेम के अंदर सर्वप्रथम तुम लोगों को यहाँ आना होता है और क्लिक करना होता है। एंड वेल, जैसे जैसे तुम लोग क्लिक करोगे, वैसे वैसे सामने वाली इस बिल्डिंग पर मिसाइल गिरेंगी। एंड वेल, ऐसे ही क्लिक कर करके तुम लोगों को जो सामने ये हाउस है उसको डिस्ट्रॉय करना है। इस हाउस की HP भैया 35 और ईच क्लिक के साथ तुम्हारी मिसाइल की पावर भी इंक्रीज होती जाएगी। लाइक वेल, अभी मेरी मिसाइल की पावर है 8 और अगर मैं अभी से क्लिक करूंगा तो ये हो जाएगी 9, लाइक दैट। एंड वेल, इसी तरह तुम्हें ये मिसाइल यहाँ से दागनी है और सामने जो डॉग हाउस है उसे डिस्ट्रॉय करना है। डिस्ट्रॉय करके क्या होगा? वेल, उसे डिस्ट्रॉय करके तुम्हें मिलेगी पावर और उस पावर की मदद से फिर तुम लोग यहाँ पर इन बंदों के नाल बैटल लड़ सकते हो, जिनसे फिर तुम्हें मिलेगी विंस। एंड देन बाद में उन विंस की मदद से तुम लोग बाय कर सकते हो अपने लिए नई मिसाइल्स या फिर चाहो तो नया वर्ल्ड अनलॉक कर सकते हो। बट वेल, इन सब के लिए अपने को नीड होने वाली है पावर की, और पावर के लिए अपने को डिस्ट्रॉय करना होगा ये डॉग हाउस। वेल, मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ बहुत है, 12 अभी नहीं हुई, अब होगी। जी हाँ, तो अपने मिसाइल की पावर हो चुकी है 18। अच्छा हाँ, डॉग हाउस तोड़ने पर भी प्लस पावर मिलती है, लाइक दैट। और उसके अलावा यहाँ फ्री गिफ्ट मिल रहा है, तो 50x पावर ऑफ कोर्स, 25 विंस ऑफ कोर्स, एंड यहाँ पर लूट बॉक्स प्लस 1। भाई फ्री में दोगे? मैं जहर भी ले लूंगा, ये तो फिर भी मिसाइल बॉक्स है, आई नीड इट एक्चुअली, है ना। एंड इसके अंदर अपने को मिली 42% वाली मिसाइल है ये मिसल, वेल व्हाटएवर, जो भी हो मिल रहा है, यो है बात, है ना। और उसके अलावा अब क्या बता रहा है भाई, अब क्या लूज में कचुनिया। ओके, सो वेल, अब अपनी स्ट्रेंथ हो चुकी है 68 एंड इस बंदे से फाइट करने के लिए अपने को नीड होने वाली थी 20 स्ट्रेंथ की। वेल ब्रदर, तू बहुत ही मासूम है, तेरे को मैं बड़े आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। तो इसी तरह भैया, मेरे को जल्दी जल्दी यहाँ से मिसाइल लॉन्च करनी है और उसे पेलना है, इवन दो उसकी HP भैया 24.80k। आई वाज किडिंग मी और व्हाट, मेरी पावर इतनी है भी नहीं भाई, मैं तो बर्बाद हो गया यार। और यहाँ लिख रहा है 20 और मेरे पास 68 है, बट स्टिल मैं इसे डिफीट नहीं कर पाया। वो मुझे लगता है अपने को अब बाय करने पड़ेंगे अपने लिए अंडे, क्योंकि अपने को चाहिए भैया स्ट्रेंथ, ताकि अपन उस बंदे को डिफीट कर सके। अपने को 42% वाली एक और मिसाइल मिल चुकी है और एक और अंडा ओपन करनी है, जिसमें से ओनली बिट एक्चुअली, है ना, 42 ही मिल रहे हैं सब खचू। इन्वेंटरी में आ जाते हैं, ये रही अपनी मिसाइल्स, यहाँ आ जाते हैं, क्यों बेस्ट कर लेते हैं, ये रही अपनी बेस्ट मिसाइल, और अब चल लेते हैं और एक दो डॉग हाउस और तोड़ देते हैं, क्योंकि भाई रिकमेंडेशन में मजाव करनी। ओ, उस बार अपन 3 मिसाइल लॉन्च की और एक ही बारी में भैया घर तोड़ दिया। यप, वी आर वे टू मच पावरफुल, है ना। एंड वेल, इसी तरह तोड़ के मैं अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकता हूँ। और वेल, अब मेरी स्ट्रेंथ हो गई है 100+, तो आ जाते हैं दोबारा से इस लोंडे के पास। और ब्रदर, अब तो मैं तेरे से स्ट्रांग हूँ, तो अब ब्रो तेरा मरना बनता है एक्चुअली, है ना। भाई मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा, उसकी पावर देखो 24K स्टार्टिंग के लिए, लिटरली बहुत ज़्यादा है ना, बट क्यों दे रखी है। हो वेल, ऊपर वाला जाने, ठीक है, बट हाँ अपन हारने वाले हैं, मुझे यो पता है। सो अपन लीव भी नहीं करनी थी, फ्रीड। ओके, यहाँ जाते हैं और इसको क्लेम कर लेते हैं, जिसमें अपने को मिलेगा स्टे इन द गेम टू कीप द रिवॉर्ड प्रोग्रेस। ओके, सो अपने को कुछ बैरंड सा मिला है, लाइक वेल वेट, यहाँ आते हैं और भाई मिल तो गया, तो यह बता क्यों नहीं रहा मेरे को। हेलो, अच्छा मेरे को लगे है अपने को कोई पावर बूस्ट एक्सेट्रा मिला है, और उसके अलावा अपने अपनी स्ट्रेंथ हो चुकी है 222 एंड इस बंदे के नाल फाइट करने के लिए अपने को 20 स्ट्रेंथ की रिकमेंडेशन बता रहे हैं ये लोग। भाई कौन सा माल पिया है, मुझे यो तो बताओ यार। कोई ना, एक काम करते हैं, इन लोगों को अगर 25,000 स्ट्रेंथ चाहिए तो मैं 25,000 स्ट्रेंथ कर लेता हूँ। एटलीस्ट अपन 1,000 कर लेते हैं, क्योंकि फिर अपनी 3-3 मिसाइल है, यानी पर क्लिक के अपने को 3,000 का डैमेज देंगे अपन उनको, है ना। एंड देन तो मेरे हिसाब से उनका गेम बच ही जाएगा, तो थोड़ी सी यहाँ ट्रेनिंग कर लेते हैं और देन चलते हैं दोबारा से इस नर्ड को डिफीट करने के लिए। ऑलराइट, तो वेल, अब अपनी स्ट्रेंथ हो चुकी है 1600, तो मेरे हिसाब से ब्रदर अब तो तेरा डिफीट होना बनता ही बनता है ना। 1600 तो मेरे हिसाब से अब तेरा गेम बच जाएगा, राइट। हाँ, मतलब पर क्लिक का इसको 3,000 का डैमेज मिल रहा है, बट अपनी HP कम है भाई, अपन अपनी HP कैसे इंक्रीज करें, मेरे को कोई यो समझाओ। वियर्ड,
कति वियर्ड भाई, मेरे को मेरी भी एचपी। अच्छा ग्रेडिंग, ओ यहाँ पर आप ग्रेडिंग कर सकते हैं, बट उसके लिए अपने वो विंस चाहिए, एंड विंस मिलेगी इन्हीं भूतनी कैसे। क्या ट्रिपी बना हो रहा है यहाँ पे यार। और उसके अलावा अपन यहाँ पर ओपी न्यूक भी लॉन्च कर सकते हैं, जिससे क्या होगा वेल ऊपर बना जाने, और इसके लिए अपने को 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। ओके मैं 5 मिनट वेट करूंगा, 5 मिनट अपन ग्राइंडिंग कर लेते हैं, थोड़े स्ट्रॉन्ग बन लेते हैं। ऑल राइट, तो वेल अपना न्यूक रेडी हो चुका है, यहाँ पर आकर अपन इसको लॉन्च कर सकते हैं, बट वो करना कैसे है मेरे को यो तात्पर्य में समझाओ पहले तो, है ना। अच्छा यहाँ से ओ ओ अपने न्यूक्लियर लॉन्च कर दिया, और उससे कुछ भयंकर होगा मे बी, है ना। ओ बॉय, इससे तो अपन लिटरली पूरी सिटी उड़ा सकते हैं भाई, डैम। और उसके अलावा अपनी स्ट्रेंथ हो चुकी है भैया 3960, तो वेला आ जाती है, और अब तो इस नर्ड को डिफीट करना कहाँ डिफिकल्ट है ब्रो, यू आर डैड माई बॉय, यू आर डैड एक्चुअली, है ना। और भाई मेरी मिसाइल पहुंच रही है, तब तक उसकी आंखें कितनी तबाही मचा रही है, ये देखो। ऐसा ना हो जाए भैया मेरी पावर होते हुए भी मैं उसको डिफीट ना कर पाऊं, राइट। भाई यार कितना सा रहा था यार, कम ऑन, ऐसे मत करो यार। एंड वेल उसके अलावा यहाँ पर क्लेम गिफ्ट पे आ जाते हैं, और अपनी ओपी मिसाइल को क्लेम कर लेते हैं, जिससे आई एम प्रेटी श्योर कुछ खतरनाक ही होगा, राइट। 50 स्ट्रेंथ है इसकी, मैं डेफिनेटली इसको ले रहा हूँ, है ना। एंड वेल अगर इसकी स्ट्रेंथ 50 है तो मेरे को बेनिफिट भी ज़्यादा होंगे, राइट। 58, एंड अब अपना भैया अपनी स्ट्रेंथ हो चुकी है 4K, यानी वेल मुझे यकीन है कि अब तो मेरे हिसाब से मैं इसे डिफीट कर ही दूंगा, है ना। तो वेल ब्रदर तू होगा भैया बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, बट अब तेरी स्ट्रेंथ गई तेल लेने, क्योंकि अब मैं भैया इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि तेरी मिसाइल आएगी तब तक मैं तेरा खानदान बर्बाद कर दूंगा पूरा, है ना। एंड वेल अपने को मिली इससे 5 विंस, और इसी तरह कर करके अपन अपनी स्ट्रेंथ स्पीड एक्सेट्रा सब इंक्रीज कर सकते हैं। बट वेल मैं सोच रहा हूँ पहले अपन अगले वर्ल्ड में हो आते हैं, क्योंकि देन अपना ये एक ओपी न्यूक्लियर एक्टिवेट होगा, देन अपन उस वर्ल्ड की चीजों को डिस्ट्रॉय करेंगे इसकी मदद से। बट वेल उससे पहले अपन फायर मिसाइल, एंड वेल इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी 600 डेफिनेटली, डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना भाई, 600 स्ट्रेंथ है इसकी, यप ये तबाही मचा देगा, ये लिटरली तबाही मचा देगा, है ना। सो वेल इसी तरह कंटिन्यू करते हुए अपन लोग कर ले जॉइन बैटल, भाड़ में जाओ, नेवर माइंड आई डोंट केयर, ओके। तो इसी तरह कर करके अपन लोग लिटरली इनको बड़े ही आराम से और बड़े ही जल्दबाजी के साथ डिफीट कर सकते हैं, और काफ़ी सारी विंस कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं सोच रहा हूँ एक काम कर लेते हैं, अपग्रेडिंग कर लेते हैं, लाइक पावर स्पीड या फिर हेल्थ। मेरे हिसाब से मेरी मिसाइल की या मेरे बेस की हेल्थ होगी, है ना, तो हेल्थ ही कर लेते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि देन अपने को भैया इस मीडियम वाले बॉस के नाल भी फाइट करनी है, जिसके लिए अपने को चाहिए 8000, और मेरे पास 800 चाहिए, और मेरे पास 8000 है। ओह वेल मैं इसको डिफीट कर सकता हूँ, उसके लिए 25, सेम स्ट्रेंथ है ब्रो तेरी भी, तो तुझे भी मैं डिफीट कर सकता हूँ, और तेरे को डिफीट करने पर मेरे को मिलेगी कितनी विंस, मैंने देखा नहीं एक्चुअली, है ना। मेरे हिसाब से 5 विंस मिली है, ओह यस 5 विन, ओके। सो वेल अपने पास हो चुकी है टोटल 19 विंस, और 25 विंस करने पर अपन लोग इस वाले अंडे को अनलॉक कर सकते हैं, जिसके अंदर ज्यादा खासा तो कुछ नहीं मिलेगा, बट हाँ कर सकते हैं, यो है बात, है ना। एंड भैया यहाँ पर जब स्टार्टर बंदे पर 5 मिल रहे हो और मीडियम पे 5 मिल रहे हैं, दोनों की सेम स्ट्रेंथ है, तो दो बंदे दे ही क्यों रखे हैं पहले पॉइंट पे, तो मेरे को यो समझाओ। A few inches later. वेट, इस वाले बंदे के लिए अपने को 300 चाहिए, और अभी तक भैया मेरे को 25, वेट इसके लिए मेरे को F दबाना था, और उसके लिए E मैंने गौर ही नहीं किया ये F है, और मतलब से भैया E दबा के सीधा इस बंदे के नाल फाइट कर रहा था। हाउ ट्रिपी आई एम एक्चुअली, है ना।
ओके नेवर माइंड, आ जाते हैं प्लस वन लेवल अप कर लेते हैं और इस बंदे को डिफीट कर लेते हैं। एंड वेल अब अपने पास हो चुके हैं 186 विंस। तो वेल पहले एक काम कर लेते हैं, आ जाते हैं और अपने लिए दो अंडे ओपन कर लेते हैं, एक्चुअली दो नहीं तीन अंडे, एंड देन चलते हैं अगले वर्ल्ड में और अपने को मिली एक 42% वाली मिसल भी। कम ऑन गाइस, कुछ बेहतरीन सा दे दो, कुछ लेजेंडरी मिथिकल टाइप का। नहीं यार, लिटरली इसका इस गेम का वही सिस्टम बहुत ही बर्बाद है यार। नॉट बैड, अपने को एक 14% वाली मिली। ओके वेल ये सही है ना। ओके तो इसको इक्विप करके देख लेते हैं, स्ट्रेंथ इसकी एंड 12 ना, मतलब खासा पसंद ना आया मेरे को, इक्विप बेस्ट कर लेते हैं, ये रही बेस्ट। और अब चल लेते हैं अगले वर्ल्ड में, और हाँ उसके अलावा अगले वर्ल्ड में जाके अपन फायर करने वाले हैं न्यूक्लियर वेपन आईफोल टावर के ऊपर, जिसकी स्ट्रेंथ है भैया 35,000, जो सिर्फ एक ही बार में खत्म हो जाएगा। जस्ट लुक एट दिस डैम, और इससे अपने को मिली भैया 10,000 स्ट्रेंथ। ऑलराइट, तो वेल अब मेरे हिसाब से मुझे लगा है अपने को यहाँ पर ग्राइंडिंग की नीड नहीं होने वाली। एंड वेल पहले आ जाते हैं यहाँ पर 400 विंस फ्री फोकट की। वेल फ्री का माल पसंद है मेरे को, है ना। एंड इसके लिए अपने को चाहिए 12,000। शेट, 12,000 बहुत होते हैं ना। सो वाले काम कर लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं अपनी मिसाइल की पावर इंक्रीज कर लेते हैं लेवल 2 और मच बेटर। एंड वेल अपनी स्ट्रेंथ 21,000 हो गई भाई, तो मतलब ब्रो यू आर डेड एक्चुअली, है ना। ओ अपनी मिसाइल तेजी से हमला कर रही है भाई, बट इसे डिफीट कर पाऊंगा या नहीं, नहीं आई गैस, है ना, या लगा ही था मेरे को। ओके वेल लेट्स डू मोर ट्रेनिंग। तो वेल भैया इस बंदे को डिफीट करने के लिए अपने को 12,000 स्ट्रेंथ चाहिए। हाँ वेल मेरे पास है भैया 1,75,000, यानी ब्रदर तेरी तो अब मेरे सामने कोई दाल ना गलने वाली है ना, और उसके ऊपर से मेरी मिसाइल भी भैया बहुत ही पावरफुल है, तो यू आर डेड ब्रो, यू आर एब्सोल्युटली डेड ब्रो। एंड इसको डिफीट करके अपने को मिली 25 विंस, और अगले के लिए अपने को चाहिए 750। डैम यू एक्चुअली। ऑलराइट, तो ये वाला लूट बॉक्स अपने को मिलेगा 9 मिनट बाद। वेल इसके लिए वेट करने का मतलब नहीं, अपन सीधा यहाँ अंडा ओपनिंग कर लेते हैं 125 विंस। ना भाई ना, इसमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। ससुरे के ऊपर 2 मिसाइल छोड़ दो, खत्म उसका खानदान, ये लो। बॉय कितनी मतलब ना इंसाफी कर रहा हूँ मैं उसके नाल, है ना। ऑलराइट, तो मतलब अपने पास हो चुके हैं 136 विंस, तो आ जाती हैं और ओपन कर लेती हैं अपने लिए पहला अंडा। लेट्स होप कि इसमें अपने को मिथिकल मिल जाए, जो नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, मतलब भाई कहीं नहीं मिलता है, यहाँ कैसे मिल जाएगा यार, ऑब्वियसली बात है ना। सुबह ला जाते हैं, क्यों बेस्ट कर लेते हैं 20 स्ट्रेंथ इसकी, भाड़ में जाओ, इससे अच्छा तो मैं वेट कर लूंगा और थोड़ा, है ना। एंड वेल अब टाइम आ चुका है न्यूक्लियर लॉन्च करने का, मतलब भाई क्यों ना करे भाई, क्यों ना करे। अब देखो जलवे तो तुम भाई साहब, ये चिंगारियां उड़ेंगी कभी मैं और तुम्हारी, भाई साहब जो ये एकदम टोर्नेडो सा बन जाए ना, बड़ा सही लगा देखने में, है ना। और उसके अलावा यहाँ अपग्रेडिंग के लिए तो अपने को बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, सो या ब्रदर तेरे ही नाल इश्क लड़ाऊंगा मैं यहाँ बैठ के अब। एंड वेल अब अपने पास हो चुके हैं 761 विंस, तो मैं चल लेते हैं अगले वर्ल्ड में, क्योंकि अब मेरे को अगली चीज डिस्ट्रॉय करनी है। ओके मतलब यहाँ पर आकर ओके यहाँ पर तो अपन ने भैया आईफल टावर डिस्ट्रॉय कर लिया, अब बारी है यहाँ वहाँ टैंक की। एंड वेल उसके लिए जस्ट सिंपली न्यूक्लियर पे क्लिक करो, एंड अब विस्फोट देखो भाई साहब। ओ बॉय टैंक तो भैया लिटरली चुटकियों में पर कच्चे उड़ा दिए उसके। एंड उसके अलावा यहाँ मुझे क्या मिलेगा, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है 93K। या ब्रदर इतनी सी, मतलब तुम जिंदा ही क्यों हो ब्रो, मर क्यों नहीं जाते। ओके या प्लस वन इक्विप्ड, देखते हैं इसको, है ना। या जाते हैं इसको ओपन कर लेते हैं, जिसके अंदर अपने को एक मिसाइल मिली है, किसकी मिली है ऊपर वाला जाने, बट स्ट्रेंथ ओके, हाँ स्ट्रेंथ तो है इसके अंदर, डेफिनेटली स्ट्रेंथ तो है इसके अंदर, है ना। क्यों बेस्ट कर लेते हैं, ये रही अपनी नई मिसाइल। और अब अरे ब्रदर तुम्हें
का तुम्हारे लिए वेट करूं ब्रो, तुम तो डिफीट है। ओ भाई उसकी भी स्ट्रेंथ कम। ओके सो वी नीड स्ट्रेंथ। हाँ ओके तो यहाँ के लिए भैया अपने को पावर चाहिए, थोड़ी बहुत अपग्रेडिंग करनी पड़ेगी, है ना। ऐसे मतलब नहीं पड़ेगा कि भैया जाके नहीं, अपने को थोड़ी देर इसी को और डिफीट करना पड़ेगा, है ना। देन अपनी पावर बनेगी और देन फिर उसके बाद अपन उनके पर कच्चे उड़ाएंगे आराम से। अब देखो भैया इस बंदे से फाइट करने के लिए अपने पास दो रास्ते थे। पहला तो भैया मैं काफी सारी विंस कर लूं और देन अपग्रेडिंग करके इसे डिफीट कर दूं, या भैया दूसरा रास्ता अपन काफी सारी स्ट्रेंथ अप कर ले। वेल मैंने सेकंड ऑप्शन चूज किया एंड अब अपनी स्ट्रेंथ हो चुकी है 1.2 मिलियन। यानी ये ब्रो यू आर एब्सोल्युटली डेड, है ना। और उसके अलावा यहाँ जाते हैं फ्री गिफ्ट इक्विप्ड कर लेते हैं, क्योंकि फ्री का माल किसे ही बुरा लगेगा भाई, ठीक है। एक बेस्ट कर लेते हैं एक्स्ट्रा पैट और अब यू आर एब्सोल्युटली डेड माय बॉय। तेरी स्ट्रेंथ 2 मिलियन है ना ब्रो। दो गोले बहुत है तेरे लिए एंड मेरे लिए भी। शिट आई सपोज अपने को अपनी अपनी हेल्थ तो अप करनी ही पड़ेगी, ठीक है, अदरवाइज अपन इसको डिफीट नहीं कर पाएंगे। ओके तो वेल हेल्थ के लिए कितना माल चाहिए? हाँ ओके 90 चाहिए बस। ओ ओके ये कोई बड़ा टास्क नहीं है मेरे लिए, 90 तो मैं अभी ही कर दूंगा, है ना। और उसके अलावा ब्रोदर तू तो मतलब तेरे नाल तो भैया फाइट करने में भी अब शर्म सी आ रही है मेरे को, है ना। मतलब कितना वीक है ब्रो तू, हैं सारे कुपोषण हुआ था कि बचपन में तेरे को लिटरली भाई वो तो मन में सोच रहा गालियां और दे रहा होगा मेरे को कि साली शर्म नहीं आ रही थी, पावर अप करके आया मेरे पास। ओके हेल्थ अप कर लेती और अब नहीं मतलब अब मेरे को पता नहीं क्यों फीलिंग ही ना आ रही है लोंडा मेरे को हरा पाएगा। यू आर डेड बॉय। ओके हाँ अब अपनी हेल्थ अभी 440 और You are dead. Yes. और अपने को इसको डिफीट करने में भैया 146 मिली। हाँ 146 मिली। यानी वेल अगर मैं इसी तरह लगा रहा हूं तो मैं बहुत ही स्ट्रांग बन सकता हूँ और अगली मिसाइल के लिए अपने को चाहिए 700 विंस। ओके वेल मैं ये ट्राई करना चाहूंगा एक्चुअली, है ना, क्योंकि अपन चार पैड इक्विप कर सकते हैं और अगले वाले के लिए मेरे हिसाब से अगले वाले में अपने को स्ट्रॉन्ग मिसाइल मिलेगी तो कर लेते हैं। और उसके अलावा प्लस वन अच्छा क्लेम नहीं किया, अबे कर तो लिया, ये मार्क नहीं आया बट इसमें ओके नेवर माइंड। एंड वेल ये उसके अलावा ये वाली मिसाइल आएगी 8 घंटे बाद, एक्चुअली 9 घंटे बाद। कौन वेट करेगा 9 घंटे? हेलो हैं नहीं तुम्हें मेरी शकल देख के लग रहा है कि मैं 9 घंटे वेट करूंगा जो तुमने कभी देखी भी नहीं करूंगा। ऑब्वियस सी बात है कतई नहीं करूंगा, है ना। बट खैर चलो सही है, अपन थोड़ी देर यहाँ ग्राइंडिंग कर लेते हैं, इसको डिफीट कर लेते हैं और देन अंडा ओपनिंग करते हैं। एंड वेल भैया एक अंडे की कीमत है 700 समथिंग, है ना। वेल मेरे पास 771 हो चुका। अच्छा 700 बस, खोल दो। हाँ मिलना वही नॉर्मल चीज़ है बट खोल दो बस, है ना। ऑलरेडी क्यों बेस्ट कर लेते हैं और इसकी स्ट्रेंथ है 130 वेल्ड चलेगा मेरे को, है ना, डेफिनेटली चलेगा मेरे को। एंड वेल उसके अलावा गाइस मेरे हिसाब से आज के लिए अपने को इतना ही रखना चाहिए। वेल अपन लोगों ने भैया टोटल 3 वर्ल्ड क्लियर कर दिए और उसके अलावा अगली अपने सामने बहुत है भाई, अभी तो बहुत सारे वर्ल्ड्स हैं। ओके लाइक वेल यहाँ पर अभी भैया टैंक है, अगले में एयरप्लेन, देन पिरामिड, देन बुज खलीफा और देन अर्थ, जुपिटर, सन, मून, फलाना टीम के बहुत कुछ है ना। सो वेल इन सभी को क्लियर करेंगे अपन अगले किसी एपिसोड में, अगर तुम इस वीडियो पर 1200 लाइक कंप्लीट कर दोगे तो। बट आज के लिए बस इतना ही।